नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। डेढ़ बजे की दो बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है, सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, तो वहीं देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसात्मक रवैया अपना लिया है। वाराणसी में बसों में तोड़फोड़, तो बलिया में रेलवे स्टेशन को छात्रों ने कब्जे में लेकर दुकानों में तोड़फोड़ की है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें, लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। बलिया में छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है, कई जगहों पर बसों में तोड़फोड़ की गई है, एक्सप्रेसवे को रोका गया है, यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा और आगरा में रोका गया। तो वहीं यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है नजर, ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा में सतर्कता बरती गई है, तो मऊ, संभल, मेरठ, अम्बेडकर नगर में विशेष नजर रखी गई है, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, सहारनपुर में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और आगरा में भी प्रशासन ने ड्रोन से ड्रिल किया है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, घरों की छतों से ईंट और पत्थर हटवाए गए। तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और प्रयागराज के अटारा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बनाई गई है। मऊ, संभल, मेरठ और अम्बेडकर नगर में विशेष सतर्कता, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, सहारनपुर में भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, वाराणसी, नोएडा में भी पुलिस लगातार अपनी नजर बनाए है और आगरा में प्रशासन ने ड्रोन के साथ ड्रिल किया। तो ये पांच तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके अलावा बदायूं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अमरोहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी नजर बनाए है जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना बने। जो छतों पर ईंट पत्थर मौजूद हैं उनको हटवाया गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग नजर आ रहा है। तो लखनऊ में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और माहौल को शांत रखने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है, मस्जिदों पर पुलिस के जवान तैनात हैं और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। टीले वाली मस्जिद से सुरक्षा का जायजा लिया संवाददाता निखिल शर्मा ने। जुमे की नमाज को देखते हुए लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ की 1000 से ज्यादा मस्जिदों के सामने पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो निगाह बनाए हुए हैं कि किसी भी स्थिति में हिंसा ना हो। पिछले अगर जुमे की बात करें तो लखनऊ में शांतिपूर्ण नमाज हुई और उसके बाद आज जिस तरह से तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनके तरफ से ऐलान किया गया है प्रदर्शन को लेकर, तो लिहाजा जो मस्जिदें हैं उनके बाहर जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे से लेकर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो वीडियो जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी की जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में कोई उपद्रवी अगर उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसकी बकायदे पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके और उसके खिलाफ बाद में सख्त कार्रवाई हो सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के और ठीक सामने किस तरह से पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैद है, पीएससी के जवान है वो मुस्तैद है। इसके साथ ही तमाम जो एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी स्थिति में हिंसा ना हो और कोई अगर हिंसा करने की कोशिश करता तो ये जवान उससे निपटने के लिए तैयार है। यानी लखनऊ को किसी ने भी आग में झोंकने की कोशिश की, यहां बलवा करने की कोशिश की तो ऐसे में पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी। जैसा मैंने बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा जो है वो मस्जिदें लखनऊ में उन पर अलर्ट किया गया है, वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए और खुद पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी निगाह बनाए हुए हैं। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ त्रिकुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए अलग अलग जगहों से, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे लेकिन सीधे आपको पहले लेकर चलते हैं गाजियाबाद जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु आपके पास आएंगे, इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी बरती जा रही है, गाजियाबाद में इस वक्त क्या कुछ नजारा है?
बिल्कुल देखिए, जुमे की नमाज जो है वो गाजियाबाद के इस्लाम नगर जो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर अदा कर दी गई है। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, पूरा प्रशासन फिलहाल इस्लाम नगर का जो पीएसी चौक है वहां पर मौजूद है। गाजियाबाद के एसपी सिटी हो, एडीएम सिटी हो या सिविल डिफेंस की टीम हो, तमाम बड़े अधिकारी ऑफिसर्स फिलहाल इस्लाम नगर में निगरानी बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी यहां पर रखी गई थी। एसपी सिटी यहां पर खुद मौके पर है, जो सीओ है स्वतंत्र सिंह वो मौके पर है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे नमाज के बाद जिस तरह से माहौल रहा उसको लेकर क्या कहना है। एसपी सिटी पहले सीओ स्वतंत्र सिंह एसपी सिटी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से नमाज शांतिपूर्वक तरीके से पूरे जिले के अंदर अदा की गई और इस्लाम नगर में खुद आप निगरानी बनाने के लिए मौजूद हैं? देखिए, कई दिनों से गाजियाबाद पुलिस की टीम लगी हुई थी, हम लोगों ने चौकी लेवल पे पीस कमेटी की मीटिंग करी है। इसके साथ ही साथ जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उन लोगों से हम लोग का कांस्टेंट टच था, और जो भी जो खुराफाती लोग थे उनकी सूची बना के काफी लोगों को बाउंड डाउन भी करा था। इसके साथ ही हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटीज लगाई हैं, ड्रोन से कड़ी तरीके से निगरानी हुई है, सोशल मीडिया सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से अलर्ट रहा है। हम लोग डीवीएफ के माध्यम से, सिविल डिफेंस के माध्यम से एक एक व्हाट्सएप मैसेज को, एक एक फेसबुक पोस्ट को, ट्विटर को हम लोग की प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग है। और तरह से आज शांतिपूर्वक माहौल रहा, लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से जुम्मे पर अलर्ट लगातार रह रहा था अब वो नहीं रहेगा और एक शांतिपूर्वक माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा? नहीं, जो भी हम लोग को लोकल इंटेलिजेंस से, स्पेशल ब्रांच से और हम लोग को जो सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से अभी डिप्लॉयमेंट करते हैं और आगे भी हम लोग की क्यूआरटीज और रिजर्व जो हैं वो पुलिस लाइंस में और स्पेशल स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स पे हम लोग की रहेंगी, और जो भी इस तरह का आगे के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर होती है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से तैयार रहेंगे। बिल्कुल, पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार रहेगी। मैं एक बार कहूंगा वीजे से तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि जितने भी संभ्रांत लोग हैं वो भी लगातार पुलिस के पास आकर बातचीत कर रहे हैं और जो मेन पीएसी चौराहा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसी को भी यहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा मस्जिद इस इस्लाम नगर इलाके के अंदर है, यानी केला भट्टा के अंदर है, और हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहा, क्यूआरटी टीम लगातार तैनात रही, और यहां से लगातार जो लोग मस्जिद के अंदर नमाज अदा करके आ रहे हैं यानी कि नमाजी हैं, उनको भेजने का काम पुलिस लगातार यहां से करती हुई नजर आ रही है, ताकि लोग एकजुट ना हो सके और लोग अपने अपने घर पर पहुंचे और एक मैसेज जाए जो लगातार जुमे की नमाज पर देखने को मिल रहा था। लोग लगातार व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया हो उस पर तमाम तरह के भ्रामक मैसेज दे रहे थे, उससे भी बचने की कोशिश हो। जो यहां के पार्षद हैं, लोकल पार्षद, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। जाकिर सैफी जी, आज जिस तरह से जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हमेशा यहाँ एक जमाने से सदियों पुराना ये गांव है केला गांव, और यहाँ हमेशा भाईचारे से यहाँ लोग रहते आए हैं, यहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अमन चैन से हमेशा जुम्मे की नमाज, रोज की नमाज, कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो शिवरात्रि का त्यौहार हो या किसी चीज का हो, सब हिंदू मुस्लिम ठीक है सभी मिलजुल कर मनाते आए हैं। और इस बार क्या कुछ कहेंगे सर? लग रहा है प्रदेश अब पूरी तरह शांत रहेगा, क्योंकि इस बार कहीं से भी कोई इस तरह का इनपुट नहीं मिला जहां पर ठीक है। तो वापस आपके पास आएंगे, लगातार अलग अलग जगह से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी बने हुए हैं, दीपक हमारे साथ इस वक्त बने हैं गोरखपुर से। दीपक आपके पास आएंगे, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, गाजियाबाद की हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। गोरखपुर की इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, वहां भी जो पत्थरबाज है उनसे निपटने के विशेष इंतजाम है क्या? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएं हम इसमें गोरखपुर के मदीना चौराहे पे हैं, और ये मदीना मस्जिद चौराहे पे अभी नमाज खत्म हुआ इस मस्जिद में, और अब यहाँ से जो नमाजी हैं वो अपने घर जा रहे हैं और पूरी तरह से शांत है आज। हर तरफ जहां जहां पे भी आज नमाज पढ़ा गया है वहां पे लोगों ने 1 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक जब तक नमाज चलेगा तब तक लोग आ रहे हैं, आराम से नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स की अगर बात करें तो जिले के सभी पुलिस विभाग के अधिकारी आज सड़कों पर हैं, हर चौराहे पर एक बड़ी पिकट लगाई गई है। तमाम जो सीओ स्तर के अधिकारी हैं, एसओ स्तर के अधिकारी हैं, वो मूव कर रहे हैं जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही है, और जो सेंसिटिव इलाके हैं खासतौर पर अगर हम गोरखपुर की बात करें, शुभम तो कोतवाली क्षेत्र की बात करें या फिर राजघाट की बात करें या तिवारीपुर की बात करें, ये जो तीन थाना क्षेत्र है बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि जब सीएए एनआरसी का बवाल हुआ था तो इसी चौक पर मदीना मस्जिद चौराहे पे ही हुआ था, पथराव हुआ था, तो ऐसे में शहर का सबसे सेंसिटिव पॉइंट यही है। बिल्कुल, और आज यहाँ पे नमाज बेहद अगर कहें तो शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ी गई है, और जो मस्जिद के इमाम है इसके अलावा तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही लोगों से अपील करनी शुरू की। बिल्कुल, और उस अपील का असर भी होता नजर आ रहा है। दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा, विनीत दुबे आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनीत आपके पास आएंगे, गाजियाबाद की तस्वीर हमने देखी, गोरखपुर की तस्वीर दीपक ने दिखाई, आगरा में क्या कुछ हाल है, चूंकि वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, जो पत्थर छत पर इकट्ठा किए गए थे उनको भी हटवाया गया।
जी लगातार और न्यूज स्टेट लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहा है कि किस तरीके से आगरा में पुलिस प्रशासन का अलर्ट है। चार दिन पहले से ही गश्त की जा रही थी, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। सीधे तस्वीरें आपको जमा मस्जिद दिखाता हूँ। सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ही मिनटों में यहाँ पर नमाज होगी और जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक लोग मौजूद हैं, लेकिन आला अधिकारी किस तरीके से इस तपती धूप में यहाँ पर अलर्ट बनाए हुए हैं, कैसे निगरानी रखी हुई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर SSP भी मौजूद है सामने ड्रोन कैमरे के माध्यम से। देखिए आप सामने ऊपर आपको ड्रोन कैमरा दिखाई दे रहा होगा। इससे ये कोशिश की जा रही थी, देखने की कोशिश की जा रही थी कि छत पर किसी प्रकार से कोई पत्थर तो नहीं इकट्ठे किए हुए हैं या फिर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की निगरानी रखी जा रही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, SSP यहाँ मौजूद है, ADM सिटी यहाँ पर मौजूद है और CCTV कैमरे भी यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं मस्जिद के ठीक बाहर मुख्य गेट है और यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि शिनाख्त की जा सके। अगर कोई बलवा करता है, अगर कोई उपद्रव करता है, अगर कोई पत्थरबाज सामने आता है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सीधी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त तरीके से उससे निपटा जाए। और यही बात वजह है कि तमाम क्षेत्रों में हम इससे पहले भी लगातार तस्वीरें देख रहे ना जाने में देखने को मिला था कि कुछ नेताओं ने फिजा खराब करने की कोशिश की थी कुछ समाज के साथ मिलकर और उसके वीडियो वायरल किए थे और उस दौरान सपा नेता को भी गिरफ्तार किया गया था और एक आप पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया था और कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ माहौल को भड़काने की बहुत कोशिश की गई थी विनीत, लेकिन प्रशासन जो है वो अलर्ट है और इसकी वजह से आज प्रदेश में शांति देखने को मिल रही है। वापस आपके पास आएंगे अभिषेक, हमारे सहयोगी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपके पास आएंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने देखी, गाजियाबाद, गोरखपुर और आगरा की तस्वीरें हमने देखी। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में इस वक्त क्या कुछ हालात है, क्या कुछ नजारा है, प्रशासन किस तरीके से सजग नजर आ रहा है? हाँ देखिए, अभी यहीं पर ये बेगमपुर चौकी है जहां पर ADG, IG, कमिश्नर, SP, ट्रैफिक, ASP सभी बैठे थे। एक मिनट पहले देहात की तरफ कूच कर गए हैं, अब जुम्मे की तरफ फोकस नहीं, अब अग्निवीरों की तरफ फोकस है। मेरठ में 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जुम्मे की नमाज थी, सभी जगह सकुशल संपन्न हो गई है। जितना फोर्स पिछले जुम्मे को था उससे आधा फोर्स यहां लगाया गया, बाकी देहात में लगाया गया, रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, लेकिन कहीं से भी ना तो जुम्मे पर कोई खबर है और न ही प्रोटेस्ट की खबर अग्निवीरों की तरफ से है। जितने ग्राम प्रधान थे उनको लाइनअप किया गया कि अग्निवीर को लेकर कोई प्रदर्शन युवा ना कर पाए, उसको लेकर प्रशासन और पुलिस की स्ट्रेटेजी अभी दोपहर तक कामयाब रही है। कहीं कहीं से खबरें ये आई जैसे दुराला रेलवे स्टेशन, सरदना रेलवे स्टेशन या प्रतापपुर रेलवे स्टेशन की यहाँ युवक जमा हो सकते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मुस्तैद था। बिल्कुल, गांवों से रिपोर्ट आ रही थी उनके प्रधान। अभिषेक वापस आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया, अटाला और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो अटाला में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स BAC जवानों की तैनाती की गई। संवेदनशील इलाकों में 300 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए, तो 200 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों की वीडियोग्राफी हो रही है। 4 ड्रोन कैमरे से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है, तो मदरसों और मस्जिदों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। की नमाज के मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 10,000 पुलिस, PSC और रैपिड एक्शन फोर्सेस की जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और भारी संख्या में हम इस वक्त अटाला चौराहे पर मौजूद हैं। यहां पर भारी संख्या में फोर्स का दबाव है और जिस तरह से देखें कि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप सामने देखें कि यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है जो वेल इक्विप्ड है, उनके पास तमाम तरह के ऐसे हथियार हैं जिनसे वो इस पूरे स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। और तमाम जो गलियां हैं अटाला क्षेत्र की बात करें तो गलियों के अंदर जहां से पिछली बार पिछले जुमे पर पत्थरबाजी हुई थी वहां पर फोर्स की तैनाती की है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके, तो सुरक्षा जबरदस्त है। तमाम IPS जो हैं उनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, CCTV और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। 300 के आसपास CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिन क्षेत्रों को संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा 200 वीडियोग्राफर्स की तैनाती की गई है। इस तरह के इंतजाम है। शहर की अगर हम बात करें, शहर के बीच इलाकों की बात करें, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रयागराज बहुत बड़ा जिला है,
अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में कोई उपद्रव होता है तो वहां पर भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। तो देखना ये होगा कि आज के जुमे की नमाज के बाद स्थिति कैसी होती है। हालांकि लगातार जो पुलिस फोर्स के जवान हैं, अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस और LIU के लोग हैं, वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अगर कहीं कोई उपद्रव करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, नमाज से पहले चिन्हित किए गए 100 संदिग्ध और संदिग्धों पर नजर रख रहा है प्रशासन। तो खुफिया एजेंसियों की भी संदिग्धों पर नजर है, और संदिग्धों में राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, कई एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बने हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे, खुफिया एजेंसी भी विशेष रूप से इन संदिग्धों पर नजर रख रही है। लगातार हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज चूंकि ज्यादा संदिग्ध, वहां पर कई इलाके हैं जहां पर पथराव भी किया गया, आगजनी भी की गई है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। जी देखिए, हम इस वक्त जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जो सुन्नी जामा मस्जिद है, और सबसे बड़ा मरकज जो है यही है। और इस तरह से जो पिछले बार जिस तरह से उपद्रव की शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी, तो उसके बाद से अगर हम देखें तो अटाला क्षेत्र में बवाल और हिंसा हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से पुलिस और फोर्स की तैनाती की गई है, उसके बाद अभी तक प्रयागराज से कहीं कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं कोई उपद्रव हुआ हो, वीर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ हो, पब्लिक जमा हुई हो। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, नमाज भी लगभग पूरी हो चुकी है, तो तमाम मस्जिदों का जो जमात का समय था वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद अब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों को लौट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का इंतजाम किया था प्रयागराज में प्रशासन ने, पुलिस ने, उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही संदिग्धों पर, जैसा कि आप कह रहे थे शुभम, के संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। निश्चित तौर पर संदिग्धों को न सिर्फ नजर रखी जा रही है। मानवेंद्र, वापस आपके पास आएंगे। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। अलग अलग तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ की, चूंकि राजधानी है, VVIP मूवमेंट वहां पर बहुत रहता है, और ऐसे में लगातार दो आंदोलनों का वहां पर होना, एक तो जिस तरीके से जुमे को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके अलावा अगर हम देखें तो अग्निपथ योजना को लेकर जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो भी वहां पर नजर आ रहे थे, तो इसको लेकर प्रशासन दोनों तरीके से बहुत अलर्ट है। बिल्कुल, आज जो है प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा है, चाहे वो जुमे की नमाज की बात हो चाहे अग्निपथ जो योजना है उसकी बात हो। अब फिलहाल अगर अभी राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो जुमे की नमाज इस वक्त जारी है, और बड़ी संख्या में पूरे लखनऊ के तमाम मस्जिदों में पुलिस फोर्स लगाई गई है। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में मौजूद हूँ, यहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। 1000 मस्जिदें चिन्हित की गई थी जिन्हें, जहां पर इस तरह के उपद्रव की आशंका थी, तो सभी जगह फोर्सेस तैयार हैं, लगाई गई है पुलिस फोर्स, और किसी भी स्थिति में कोई भी उपद्रव ना हो इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही, CCTV फुटेज लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है और मुस्तैद है। अब से थोड़ी देर पहले टीले वाली मस्जिद में जब नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुंच रहे थे तो उस वक्त उनको गुलाब का फूल देकर उनको वेलकम किया गया, शांति की अपील की गई सिविल डिफेंस और पुलिस की तरफ से। तो एक तरफ लोगों को समझाने की कोशिश कि किसी भी तरह की हिंसा से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि मुसीबतें बढ़ेंगी, कोई भी बात अपनी रख सकता है जो है वो संविधान के दायरे में। तो लखनऊ को पूरे अगर हम कहें तो एक तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, हर तरफ जो है वो पुलिस फोर्स लगाई गई है, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लखनऊ में अभी तक की जो खबरें हैं वो हर इलाके में नमाज अदा की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद टीले वाली मस्जिद की नमाज भी अदा होगी, जब माना जाता है कि लगभग 2 बजे के आसपास नमाज पूरी हो जाती है, खासकर इस इलाके में जो मस्जिदें हैं, तो उसके बाद ये तय होगा कि आखिर क्या पूरे जो है लबोलुआब रहा पूरी घटना को लेकर। बिल्कुल, तो लगातार प्रशासन जो है वो राजधानी में भी अलर्ट नजर आ रहा। निखिल, वापस आपके पास आएंगे। अमित हमारे सहयोगी कानपुर से सख्त हमारे साथ बने। अमित, अलग अलग तस्वीरें हमने देखी है, कानपुर में क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए,
देखिए शुभम, सबसे अच्छी बात यह है कि शायद प्रशासन ने 3 और 10 तारीख को जो हिंसा हुई उससे सबक लिया था, और उससे सबक लेने के बाद आज करीब करीब नमाज का टाइम पूरा हो चुका है और हर जगह शांति है। जितने आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त हम सद्भावना चौराहे पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो भी नमाजी आए थे उनको बाकायदा गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया और सभी इस तरह लगातार अपील की जा रही थी, उस अपील का यहाँ पर असर देखने को मिला है। और जो नमाजी अलग अलग समय पर मस्जिदों में पहुंचे थे उन्होंने अपनी नमाज अदा की, उसके बाद वो घर चले गए। सभी लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं। जो सुबह से ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, चाहे वो जमीन पे हो चाहे वो आसमान पे हो, ड्रोन कैमरों से निगाह रखी जा रही थी, उसका साफ असर और एक समन्वय जो था वो पुलिस प्रशासन का वो देखने का मिला। उसका साफ असर उसका यही हुआ कि आज की जो नमाज थी वो पूरी तरीके से सही से गुजर गई, कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई। और सामने आप देखिए जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो भी लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के गले मिल रहे हैं और लोगों को यही समझा रहे हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना धंधा पानी जो है उसको आप जारी रखिए, अपने काम में लगिए जो रोजमर्रा के आपके काम है और किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो ये कि राहत भरी सांस कह सकते हैं प्रशासन के लिए कि 3 तारीख और 10 तारीख को जो तस्वीर देखने को मिली थी, फिलहाल आज ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कानपुर में फिलहाल नहीं हुई और नमाज लगभग लोगों ने अदा कर ली है जुमा की। बिल्कुल, नमाज जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से हर जगह संपन्न हो रही है और जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसने भी सबक लिया था पिछली घटनाओं से। जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई थी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसको देखते हुए अब हर जगह प्रशासन जो है वो सजग नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु, आपके पास आएंगे गाजियाबाद में, चूंकि अगर हम देखें तो प्रशासन की जो सख्ती है वो साफ तौर पर नजर आई और उसका परिणाम भी देखने को मिला, शांति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर छिटपुट वारदातें हुई हैं, जहां पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के लोगों को समझाया बुझाया गया। वर्तमान में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा मथुरा में अभी भी कुछ जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। इस संबंध में कुछ इस तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है, इस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी तथा सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके इस बारे में एजुकेट भी करेगी तथा इस संबंध में सेना के अधिकारियों द्वारा लोगों को बताया भी जा रहा है। इस संबंध में हम सभी जनप्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधान और इससे संबंधित जो सरकारी विभाग है उनको, उनके द्वारा, उनके थ्रू सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस स्कीम के तहत आने वाला समय और अधिक सुरक्षित होगा, उनको और भी नौकरियों में वरीयता मिलेगी तथा जो इस स्कीम के तहत अपनी जॉब करेंगे उनको अन्य किसी जगह पे न जाने के संबंध में बाध्यता नहीं रहेगी, उनकी ओपनिंग या उनको और भी अवसर अन्य नौकरियों को पाने में रहेगा। कुछ नौकरियों में प्रदेश में वरीयता देने के बारे में भी सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। क्या माने पूरे जिले में नजर बनाए हुए आपने? पूरी जगह सभी हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और स्थिति नियंत्रण में है। जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया। प्रशांत कुमार को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर जगह प्रशासन सजग है और कोई अप्रिय स्थिति ना बने जिसको लेकर लगातार अलर्ट रखा गया है और कई जगहों पर कुछ संगठनों के द्वारा भी छिटपुट हिंसा को अंजाम दिया गया है, छात्रों को भड़काया जा रहा है, जिसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।
तो नोएडा में जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार नोएडा पुलिस अलर्ट नजर आई। बाकी अलावा और जगह भी अगर हम देखें तो चाहे आगरा हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, हर जगह प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। तो बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो जिले को सुरक्षा के मद्देनजर 7 जोन में बांटा गया। 7 जोन और 22 सेक्टर्स में पुलिस के 1500 जवान तैनात किए गए। संवेदनशील इलाके की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। घनी आबादी वाले इलाके में पुलिस का गश्त कर रही है। तो लगातार पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है और जो घनी आबादी वाले इलाके हैं वहां पर भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।